यहाँ पर मंगमंग कितना क्यूटली अपनी ये ट्रीट खा रहा है अपने ऐसे हाथों में डाल के। तो जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हो, आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं सरप्राइज करने वाली हूँ मम्मी पापा को इंडिया में। सो बेसिकली मेरी कुछ दिन बाद में छुट्टी पड़ने वाली है। मंगमंग तो क्या कर रहा है ऐसे, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है। तो क्योंकि मेरी छुट्टी पड़ने वाली है और कुछ दिन बाद में मेरा हैप्पी बर्थडे भी आने वाला है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सब सेलिब्रेट इंडिया में करती हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ। बाय द वे गाइस, मैंने मेरे बालों में चांद पे जो तेल लगाते हैं ना वो कर रखी, इसलिए मेरे बाल थोड़े अजीब गरीब लग रहे हैं। अभी मेरे मम्मी पापा इंडिया में, क्योंकि हमारा जयपुर का जो घर है ना वहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है, और जो मेरे दो छोटे भाई है ना वो इटली में है। तो मुझे सैडली चूज करना पड़ा कि मैं किसको सरप्राइज करूँ, मम्मी पापा को या अजय भाई को। तो मैंने एंड में मम्मी पापा को चूज करा। और आप प्लीज मम्मों की चिंता मत करना क्योंकि मेरे घर पर लीना आ रही है रहने के लिए और वो मम्मों का ध्यान रखेगी। एक ना एक दिन मैं मम्मू को जरूर मेरे साथ लेके जाऊंगी। कल सुबह मेरी फ्लाइट है और मुझे बहुत सारी तैयारी करनी, तो मैं आपको डायरेक्टली कल मिलती हूँ। बाय। क्योंकि एयरपोर्ट मेरे घर से 5 घंटा दूर है तो मैंने ये बस ली एयरपोर्ट जाने के लिए। गाइस अभी मैं एयरपोर्ट पर आ चुकी हूँ, वो रही दिल्ली की फ्लाइट। और मुझे एयरपोर्ट पर ये क्यूट सा कॉफी शॉप मिला जहाँ पर BTS की कॉफी मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो टाइम पास करते हैं और ये कॉफी ट्राई करते हैं। आप प्लीज मेरे थोबड़े को देखकर डरना मत, मैं आज लिटरली 1 घंटा सोई होंगी। अभी हम ये कॉफी ट्राई करते हैं। चीयर्स। जैसे आप इस कॉफी को मुंह में लेते हो ना बहुत ही बेहुदा वाहियात टेस्ट करती है, लेकिन जैसे वो नीचे जाती है ना इट टेस्ट रियली गुड। ऐसे कौन बैठता है। यहाँ पर है लाइन जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन मेरा वाला इटालियन है तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ भी लाइन नहीं है। सो गाइस हमारे डायरेक्टर साहब मुझे पिकअप करने आए हैं। हेलो हेलो गाइस, हमारा सॉन्ग जल्दी आने वाला है ना। यस, 15-20 दिन बाद पूरा शहर आया साउथ कोरिया। गाइज ये रही मेरी होटल, मैं ना तो के तैयार भी हो गई और अभी प्रिया आने वाली है मेरा लंच लेके, क्योंकि मैंने लंच नहीं करा और मुझे घर का खाना खाना था, तो मैंने प्रिया को बोला कि प्लीज़ आप अपने घर से खाना लेके आना। सो वो अभी कुछ देर में आने वाली होती होगी। मैंने आपको होटल इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि होटल सेम लास्ट वाला है, बस इसकी व्यू थोड़ी अलग है, यहां से आप जो स्विमिंग पूल है ना वो देख सकते हैं। तो प्रिया 10 मिनट में आने वाली है और मैं उसका इंतजार करती हूँ लॉबी में। क्यूट है ये प्लेट। अभी हम पेट पूजा करते हैं। ओ यार इतना, ये कितना है, 2-3 दिन का खाना है क्या? बोला ना मोटा करना है। डोले छोले बनाने। यहाँ पर आप पास्ता सैलेड, ये वो काकड़ी बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? काकड़ी नहीं, ककड़ी। चावल और ये दाल है ना, इसके अंदर है कुछ अचार। ओके डन, लेट्स ईट। गाइस देखो प्रिया ने मुझे क्या गिफ्ट करा है। लुक एट दिस यार, ये तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। इसको ग्लो तो देखो। Wow, details. I love you, Priya. I love you too. The next day. Good morning, guys. अभी आके सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मुझे जल्दी से रेडी होना है और एयरपोर्ट जाना है क्योंकि मैं दिल्ली एयरपोर्ट से जाऊंगी जयपुर। कल रात ना बहुत मजा आया था प्रिया के साथ, हमने बहुत मस्ती की थी, बहुत बातें की थी और उसने मुझे ये ब्यूटीफुल वाली पेंटिंग भी थी। अभी इसका मुझे ना कुछ फ्रेम वगैरह कुछ करवाना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे नहीं लेके जा सकती हूँ, इतनी फोल्ड हो जाएगी। और आपको पता है मुझे कौन छोड़ने जाएगा एयरपोर्ट? सौरभ। थैंक यू सो मच एयरपोर्ट के लिए। उत्तराखंड हो ना? हाँ, थैंक यू सो मच एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जा रहे हैं और उसके बाद फिर मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है वीजा के लिए, मिलेंगे हम कहीं। हाँ गुड गुड गुड। वेयर सीट बेल्ट, ये अच्छा आइडिया याद दिलाने का ना। अच्छे से जाना और पहुँच के बता देना। ओके लेट्स गो मम्मी को सरप्राइज करने के लिए। बाय बाय, ध्यान रखना। एयरपोर्ट पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ पर जाना है, लेकिन थैंकफुली मुझे स्टीव मल्होत्रा मिल गए और उन्होंने मुझे करेक्ट रास्ता बताया और फाइनली मैं फ्लाइट में पहुंच गई। गाइस अभी मैं फाइनली जयपुर आ गई और अभी यहाँ पे हल्की सी बरसात हो रही है और मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि मम्मी घर पर भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक्चुअली मेरा छोटा भाई है ना अजय, वो मम्मी को फोन करने वाला और पूछने वाला कि मम्मी आप कहाँ पर हो। तो अभी हम जल्दी से इस टैक्सी में बैठते हैं और मम्मी को सरप्राइज करते हैं। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी, क्या बोलेगी, क्या करेगी। और बाय द वे ये वाला रोज़ मुझे क्यूट से सब्सक्राइबर ने दिया है जो कि मुझे जयपुर की एयरपोर्ट पे मिली थी और उनका नाम था हाँ अंजलि। सो थैंक यू सो मच अंजलि।
आपको पता है मैं मम्मी को सरप्राइज करने वाली हूँ आज। अच्छा, मम्मी गुस्सा हो जाएगी। हाँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया ना, इसीलिए। मम्मी कहाँ पर है? आप मेरी हेल्प कर सकते हो लगेज के साथ? अभी चल रहे हैं फर्नीचर की दुकान पे। हाँ, तो डाइनिंग टेबल लेके आएंगे, सोफे लेके आएंगे। थैंक यू। सो गाइस, ये रहा वो फर्नीचर शॉप। यहाँ से हमें कुछ डाइनिंग टेबल लेनी पड़ेगी, लेकिन आज हम लेके नहीं जाएंगे, आज सिर्फ चूज करना है। ये 58,000। ये कितने की है? ये 95,000। कौन सी चाहिए? कौन सी लेनी है आपको? अभी पीछे बार्गेनिंग चल रही है, हमने ऑलमोस्ट 1,00,000 की टेबल ली है, तो पापा बोल रहे कि 80 की कर दो। कितने के लिए? फर्नीचर शॉपिंग के बाद में मैं और पापा चले गए रेस्टोरेंट। पापा का लंच आ गया, एक्चुअली लंच नहीं है, अभी डिनर कुछ बीच में है, और मेरा तो भी नहीं आया। कैसा था खाना? बहुत टेस्ट है। गुड 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 गुड। सो गाइस, अभी मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, मेरे बाल थोड़े से हल्के से गीले हैं, और मम्मी ने मुझे जबरदस्ती नोज रिंग पहना दी, और यहाँ पर देखिए कौन है, ये रहा मुंग मुंग जी, मेरी जायदाद का इकलौता वारिस, कितना क्यूट है। एनीवे, आज मम्मी का बैंक में कुछ अपॉइंटमेंट था, तो वो भी रेडियो के नीचे चले गए, उन्होंने ओला बुलाया है, और मैंने सोचा कि तब तक वो जा रहे, मैं थोड़ा यहाँ पर घर पर आराम कर लेती हूँ। वो रही ओला। बाय मम्मी, बाय। अभी यहाँ पर बहुत बोर हो रहा है, और बाय द वे मुझे आदत नहीं है अपने आप को एक नोज रिंग के साथ देखने की, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि ये कैसा लग रहा है, मुझे सूट कर रहा है, मेरी थोबड़े पर सूट कर रहा है नहीं। और क्योंकि मम्मी पापा के बिना बहुत बोर हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको एक छोटा सा क्विक सा हाउस टूर दे देती हूँ। एक्चुअली हमारे घर पर यहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है, तो काफी काम बिखरा हुआ पड़ा है, काफी गंदा लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि आप और हम फैमिली है, तो आपसे इतनी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं, तो मैं आपको ऐसे ही हमारा कबाड़ खाली दिखा देती हूँ। सो क्योंकि मम्मी पापा मुझे अकेले घर पर छोड़कर गए हैं, जिसकी वजह से मम्मी ने वहाँ पर गेट पर ताला लगा दिया सेफ्टी के लिए, तो मैं आपको जो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन है ना, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी मैं आपको सेकंड और थर्ड फ्लोर और जो छत है ना वो दिखाती हूँ। सो यहाँ पर रहा सेकंड फ्लोर। मुझे इसकी सीलिंग बहुत ही अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। सो ये रहा फर्स्ट रूम। इसकी जो वॉल के कलर ना, प्लीज़ उस पर ध्यान मत देना, इसका हम चेंज करेंगे। यहाँ पर रहा टीवी, यहाँ पर रहा कुछ फर्नीचर, यहाँ पर पता नहीं मम्मी ने क्या क्या सजा रखा है, और ये है हमारी फैमिली फोटो। और ये डरावना सा क्या है, मम्मी ने इसको यहाँ पर क्यों रखा है? Why is it so scary? इस रूम में भी फर्नीचर का काम चल रहा है, वो जो नई अलमारी लगा रहे हैं। यहाँ पर रहा एक और रूम, लेकिन इसका भी फर्नीचर का काम चल रहा है, इसमें जो भी टाइलें वगैरह ना वो भी सारी चेंज होगी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी काफी बिखरा हुआ है। तदान, ये वाली शावर मुझे पता भी नहीं कि ये कैसे काम करते, मैंने ऐसी शावर कभी कोरिया में भी नहीं देखी, तो काफी अच्छी लग रही है ना। सो मेरे पापा का नाम है जय, सो जय से स्टार्ट होता है, और अजय का नाम ए से स्टार्ट होना, तो इसकी वजह से यहाँ पर रहा ए, और पता नहीं कहीं पी भी होना चाहिए, मुझे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर रहा ए, यार ये पी कहाँ पर चला गया, आई डोंट नो।
अभी ये रहा थर्ड फ्लोर, ये पूरा खाली है। सो यहाँ पर रहा गेस्ट रूम। गाइज मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास ये फुटेज रहा जो कि मैंने इंस्टा स्टोरी पर थोड़ा सा डाला था। सो बेसिकली ये रहा गेस्ट रूम, गेस्ट रूम के बाद में रहा लिविंग रूम, उसके साइड में रहा एक और रूम। सो बेसिकली ये सारे जो रूम्स हैं ना वो सेकेंड फ्लोर के साथ सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पर रहा एक और रूम, और रूम के साइड में रहा बाथरूम, और यहाँ पर रहा एक और रूम। पता नहीं कितने रूम है, आई थिंक 3-4 रूम होंगे। यहाँ पर रहा बाथरूम अगेन, और इसके साइड में रहा ड्रेसिंग रूम। थर्ड फ्लोर के बाद में ऊपर रहा छत। तदान, ये रहा छत। छत के ऊपर आपको मिलेंगे दो रूम, एक वो वाला पोर्शन है और एक ये वाला है। ये वाला रूम अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर होना चाहिए एक किचन, बाथरूम और एक रूम। तो मम्मी ने सोचा कि ये किसी को किराए पर दे देंगे, लेकिन अभी नहीं दे सकते क्योंकि इसका जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला। और ये वाला रूम तो बहुत ही पुराना है, इसका काम मुझे लगता है लास्ट में होगा। गाइस मम्मी पापा आ गए, इस बार ऑटो लेके आए हैं। मैं नीचे का पार्ट दिखा के आ रही हूँ। अभी मम्मी ने वो वाला गेट खोल दिया, तो मैं आपको जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो दिखाती हूँ। ये वाला वो वाला पोर्शन है जहाँ पर मैंने बचपन के पहले 5 साल यहाँ पर गुजारे थे। और ये हमारी आंटी जी, हेलो हाय। और वहाँ पर रहा एक और पोर्शन, इस पोर्शन पे आप रहते हो ना? हाँ नमस्ते। सो बेसिकली मम्मी ने जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है ना वो पूरा रेंट पर दे दिया, सेकंड फ्लोर पर अभी जहाँ पर हम रह रहे हैं थर्ड फ्लोर पूरा खाली है, और वहाँ पर रही छत, और वो वाला एरिया है जहाँ पर स्टेयर्स है। सो गाइस अभी मैं और मनोज जो कि आंटी जी के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, हम जाने वाले हैं। जो ग्लासेस है ना वहाँ पर मैंने 3 ग्लासेस ऑर्डर करे थे, तो वो हम लेने जा रहे हैं। मोटरसाइकिल मुझे डर लगे फाइनली वो दिन आ गया। टोटल में कितना हुआ था? 51,000। थैंक यू भाई। तो अभी हमने ग्लासेस भी ले लिए हैं और अभी चलते हैं वापस घर पे। हाँ पापा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? पेड़ को बांधने नहीं सोच रहा। ये किस चीज़ का पेड़ है? अशोक, अशोक का पेड़। अशोक कौन है? पेड़ का नाम है अशोक। अच्छा, मैंने सोचा कोई हमारे यहाँ पे रहता है उसका नाम होगा। कैसा लगा मेरा मजा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मम्मी आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? तेरा सरप्राइज कैसा? हाँ, लगा आज मैं ऐसे यहाँ पर टपक पड़ी, कैसा लगा आपको? मैं कुछ समझ ही नहीं पाई थी, शोक में हो गई थी बहुत ज्यादा। और मम्मी सिर्फ ना कर आई थी, मम्मी छत पर थी, तो मम्मी के बाल फनी लग रहे थे। एक चीज होती है ना, वो चीज आप कभी मैंने सपना में नहीं सोचा, वो एक इंसान अपनों का ना अपनों एक अपने एक दिल होता है, वो एक साथ में दो जुड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह सकती मैं खुश हुई थी या शोक में, मैं शोक में गई थी। अच्छा, तो अभी सनसेट भी हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ऑरेंज कलर का। अभी मैं मम्मी और पापा जाएंगे WTP, कुछ शॉपिंग करनी है। सो गाइस अभी हम यहाँ पर आए हैं WTP के ज़ारा में, और मम्मी पापा आज सुबह के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग कर ली, जल्दी करो। कैसा है खाना? कैसा है खाना? तो गाइस अभी हमारा डिनर भी हो गया और हम जाने वाले हैं घर पर। क्या आपको शर्म नहीं आती आपके पति देव इतना हैवी हैवी उठा रहे हैं? इसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा रहम बेटी को आना चाहिए ना, लुगाई को आना चाहिए। सो गाइस आज के सिर्फ इतना ही, होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, खूब सारा ढेर सारा प्यार देना। प्लीज कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। हाँ तो नहीं, आपको हिलना इसके ऊपर, इसको बंद कर दिया, अति सुंदर। चलो क्या करता हूँ मम्मी? वो करती तेरे पगले मंडवाती है वो लक्ष्मी जी के आने वाले। और मैं भी लक्ष्मी है मेरे लिए तो तू बेटा।